अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की बुक का पेज नंबर 17। ठीक है, तो जिस तरह हमने पेज नंबर 16 पे किया था, पेज नंबर 17 इसी तरह करेंगे। पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, पार्ट ए हमारे पास देखें, एक बॉक्स में हमारे पास 10 पेंसिल्स गिवेन है। ठीक है, 10 हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 में अपनी कितनी पेंसिल्स प्लस करनी है, 7। 10 प्लस 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, तो इस 17 की प्लेसेस क्या है, 7 हमारे पास हो जाएगा 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट बी में देखिए 10 पेंसिल्स ऑलरेडी हमें गिवन है, 10 के अलावा और कितनी के पेंसिल्स है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 में अभी कितनी प्लेसेस पेंसिल्स प्लस करनी है, 8। 10 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, अब 18 में से 10s क्या है, 1s क्या है, पहला डिजिट जो 1 है वो हमारे पास क्या होगा, 10, और दूसरा डिजिट जो 8 है उस वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1s। ठीक है, इसी तरह पार्ट सी है, 10 पेंसिल्स के साथ हमने कितनी प्लस करनी है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 में अपनी कितनी पेंसिल्स प्लस करनी है, 9। 10 प्लस 9 कितनी हो जाएगी, 19। अब 19 में से 1 जो पहला डिजिट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10s, और जो 9 दूसरा डिजिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1s। ठीक है, इसी तरह पार्ट डी हमारे पास है, पार्ट डी में एक तो एक बॉक्स में पास 10 पेंसिल्स गिवन है और दूसरे बॉक्स में भी 10 पेंसिल्स गिवन है, यानी 10 में हमने कितनी पेंसिल्स प्लस करनी है, 10। तो 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, अब 20 का 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10, और 20 का 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1s। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट दीज नंबर्स इन 10s एंड 1s। आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, 11, 13, 17, 10, 14, 20, 15, 18, इनको हमने 10s और 1s में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, 11 है, तो 11 का 1 हमारे पास क्या हो गया, 10, और दूसरा 1 हमारे पास क्या हो गया, 1। ठीक है, अब देखें पार्ट बी, देखें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। अच्छा, नंबर 14 है, 14 का जो 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 10, और 4 क्या होगा, 4 1s। ठीक है, 4 क्या है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, s। अगर 4 की जगह पे 1 होता, यहाँ पे देखें 1 है तो s नहीं लगा हुआ, अगर नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो उसके साथ हम s लगा देंगे। यहाँ 1 से ज़्यादा अगर 10 हुआ तो उसके 10 के साथ भी हम क्या लगा देंगे, s लगा देंगे, लेकिन यहाँ फ़िलहाल 1 है। अच्छा, पार्ट c हमारे पास है 13, 13 का 1 हमारे पास क्या होगा, 10, और 3 हमारे पास हमेशा क्या होगा, 1s। इसी तरह पार्ट d 20, 20 का 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 10, और 0 क्या हो जाएगा, 0 1। ठीक है, पार्ट्स अब देखें, पार्ट ई 17, 17 का 1 हमारे पास क्या है, 10, और 7 क्या है, 1s, 1 10 7 1s। इसी तरह 15, 15 का 1 हमारे पास क्या है, 1 10, और 5 क्या है, 5 1s, 1 10 5 1s। इसी तरह पार्ट जी 10, 1 क्या हो जाएगा, 10, 1 10, और 0 क्या हो जाएगा, 1 0 1s। इसी तरह पार्ट एच हमारे पास है 18, 18 का 1 क्या हो जाएगा, 1 10, और 8 क्या हो जाएगा, 8 1s। ठीक है, हमेशा पिछला डिजिट क्या होता है, 1s होता है, अगला डिजिट हमेशा क्या होगा, 10s होगा। ओके स्टूडेंट्स,